हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पिछले लॉकडाउन में हमारे स्टूडेंट जो पढ़ने आया करते थे आर्यन अग्रवाल, उन्होंने कमेंट करके पूछा कि सर ये बताइए कि ये कमांड कैसे चलाएंगे। कमांड क्या है? टेलनेट कमांड है, इजी है, आप भी चला सकते हैं। यहां पर सीएमडी टाइप कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, ध्यान रहे कि नेट से कनेक्टेड रहिए। और अगर आप प्रॉम्प्ट चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉम्प्ट वगैरह चेंज करना तो पहले ही बताया मैंने। यहाँ पर डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं हम टेलनेट की, तो यहाँ लिखेंगे टेलनेट और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर टेलनेट लिखने के बाद आपको वो कमांड टाइप करना है। तो टेलनेट लिखने के बाद कमांड क्या है, यहाँ पर लिखिएगा टॉवेल। अब ये टॉवेल डॉट ब्लिंकन लाइट्स LIGHTS डॉट NL, यही आपको टाइप करना है। नेट से कनेक्टेड रहना और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्टार वॉर्स चालू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये देख सकते हैं स्टार वॉर्स चालू है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। तो ये कमांड कुछ बेसिक सेटिंग्स करने के बाद चालू हो जाएगा और इस तरह से ये वर्क करेगा। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। आपको क्लाइंट की सेटिंग करनी पड़ेगी, कहाँ जाके सेटिंग करनी होती है देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आपको जाना होगा सबसे पहले कंट्रोल पैनल पर, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे चले जाइएगा, ये कंट्रोल पैनल आ जाएगा, यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आपको जाना है प्रोग्राम एंड फीचर में। प्रोग्राम एंड फीचर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो नीचे आइए थोड़ा और यहाँ पर टेलनेट क्लाइंट, ये जो टेलनेट क्लाइंट है इस पर टिक रखिएगा और ओके कर दीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। अब आप चलाएंगे तो ये चलेगा, जो भी कमांड आप चलाएंगे ना वो चलेगा यहाँ पे आसानी के साथ। देखिए मैं एक बार और चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमको लिखना है टेलनेट, ठीक है, तो लिखते हैं TELNET टेलनेट, ठीक है। टेलनेट लिखने के बाद आपको लिखना है टॉवेल TOWEL टॉवेल डॉट ब्लिंकन lights LIGHTS डॉट NL, ये लिख दिया आपने, एंटर प्रेस कर देंगे तो यही कमांड एक्सीक्यूट हो जाएगा दोबारा से। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड अपॉन योर नेट, थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है तो जिसकी वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये देख सकते हैं ये कमांड दोबारा से एक्सीक्यूट हो गया। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।